शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, डार्क रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कितने स्टेप में पूरा होता है, दो। एक तो होता है प्रकाश अभिक्रिया और एक होता है अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया कितने प्रकार से होता है कंप्लीट, दो प्रकार से, एक चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण और एक था क्या, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण। क्लियर है ना। अच्छा, जब प्रकाश अभिक्रिया होता है तो क्या क्या बनता था, एक तो ऑक्सीजन बनता था और एक क्या बनता था, NADPH, और क्या बनता था, ATP। अब जो ध्यान से समझना, प्रकाश अभिक्रिया से क्या बना है, NADPH2, ठीक है, और क्या बना है, ATP। उसका यूज किया जाएगा और उसका यूज करेंगे CO2 के साथ। ठीक है, CO2 को रुबिस्को एंजाइम की मदद से, किसके मदद से, रुबिस्को एंजाइम, ठीक है ना, इसकी मदद से क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। क्लियर है, तो इसी के ही बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अंधकार अभिक्रिया क्या होता है। अंधकार अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या केल्विन साइकिल के नाम से भी। क्लियर है, या इसी को बोलते हैं बेंथम बेसम साइकिल। क्लियर ना, उसमें बीच में कितना सारा स्टेप होता है, तो दो वैज्ञानिकों ने खोजा था, बेंथम और बेसम ने, तो इस कारण इसका एक और नाम क्या है, बेंथम बेसम साइकिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो, एक पत्ती है, ठीक है ना, इस पत्ती में कौन सा कोशिका था, मेसोफिल कोशिका है। कौन सा कोशिका है, मेसोफिल कोशिका। मेसोफिल कोशिका में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या था, ऐसा थैलाकॉइड था। क्या था, थैलाकॉइड, याद आया, क्लियर है, ऐसे स्ट्रोमल। तो यहाँ पास तो हो गया था PS1 और PS2। अब ये जो भाग है, क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ पास ही होता है कि आपका डार्क रिएक्शन। लोकेशन समझ आया कि नहीं, डार्क रिएक्शन का, ठीक है, लोकेशन समझ आया कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है क्या, डार्क रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है, चल ध्यान से समझने का कोशिश करो। डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ MP पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बायोसिंथेसिस। क्या बोल देते हैं, बायोसिंथेसिस, ठीक है, डार्क रिएक्शन बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, बायोसिंथेसिस। इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, बोला हूँ मैं अभी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही इसका जितना भी एंजाइम रहता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या रहता है, डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम रहता है। डार्क रिएक्शन के लिए क्या उपस्थित होता है, एंजाइम। क्लियर है ना, इस कारण डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। क्लियर है, अच्छा, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइट का आवश्यकता होता नहीं है, लाइट का आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता नहीं होता अंधकार अभिक्रिया के लिए या डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, किसका आवश्यकता होता है, NADPH2 का, CO2 का व ATP। ठीक है, NADPH2, CO2 और ATP का यूज होता है। क्लियर है, किस लिए यूज होता है, ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा, और एमपी पॉइंट याद रखना है कि इसको ध्यान समझना ना, इसको ध्यान देना ना, इसको बेंथम और बेसम नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया था, इस कारण इसको एक और नाम दिया जाता है क्या, बेंथम बेसम साइकल। चूँकि इसमें ध्यान से समझना, पहला जो उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। क्लियर ना, जब ध्यान से समझना, जब शुरू होगा डार्क रिएक्शन तो उसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला। ठीक है, उसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला। इस कारण इसको हम लोग कौन सा साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल। क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। किसने बताया था, केल्विन ने बताया था। किसने बताया था इसको, केल्विन ने। इस कारण इसका और क्या नाम होगा, केल्विन साइकिल। क्या नाम होगा, केल्विन साइकिल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ठीक, ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, इसके लिए प्रकाश का आवश्यकता नहीं होता। इसमें प्रकाश अभिक्रिया से उत्पन्न NADPH2 ATP और वातावरण में उपस्थित CO2 क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का।
इसके विभिन्न पदों के बारे में बेंथम और बेसम ने बताया था, इस कारण इसका नाम बेंथम बेसम साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बनने वाला जो पहला उत्पाद होता है वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, और उसका नाम क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। चूंकि केल्विन ने बताया था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? पहले तो इतना ही बस लिखना है तुम लोगों को, ठीक है? डार्क रिएक्शन के बारे में बस इतना ही लिखना है शुरुआत में। उसके बाद क्या लिखोगे कि जो, ध्यान से समझ लेना, हो गया क्या? केल्विन साइकिल जो रहता है, ठीक है ना, इसका अध्ययन हम लोग 3 चरण में करते हैं। कितने चरण में? 3 चरण में। क्लियर है? मिटा दूं क्या इतने को? ठीक है, केल्विन साइकिल का अध्ययन लिखते हैं ना, एक मिनट। केल्विन साइकिल का अध्ययन हम लोग 3 चरण में करते हैं। C3 साइकिल का स्टडी कितने स्टेप में करते हैं? 3 स्टेप में। क्लियर है? 3 स्टेप में करते हैं इसका अध्ययन। सबसे पहला होता है कार्बनीकरण या अपचयन। कार्बनीकरण या फिर क्या पढ़ते हैं? अपचयन। ठीक है ना, कार्बनीकरण या अपचयन। क्लियर है? दूसरा स्टेप होता है हेक्सोज सुगर का निर्माण, मतलब ग्लूकोज का निर्माण, हेक्सोज सुगर का निर्माण। और तीसरा होता है RUBP का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण होता है RUBP का पुनर्निर्माण। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? कितने चरण में पढ़ेंगे इसका अध्ययन करेंगे? 3 चरण में। सबसे पहले कार्बनीकरण या अपचयन, दूसरा हेक्सोज शर्करा का निर्माण, और तीसरा है RUBP का पुनर्निर्माण। RUBP का पुनर्निर्माण। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़ जाऊँ मैं? ठीक है, अब कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों को, ध्यान समझना, NCERT वाला नहीं बता रहा हूँ ना, मैं तुम लोगों को जो प्रबोध नवबोध में है ना, जो पहले चलता था C3 साइकिल, उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के टीचर लोग उसी को पढ़ा रहे हैं अभी अभी भी, और वही बनाना है तुम लोगों को। बस इतना ही लिखना जितना अभी मैं लिखा हूँ, ठीक है? उसके बाद कैसे करना? सीधा डायरेक्ट साइकिल को बनाना। क्लियर है? कैसे होता है C3 साइकिल समझने का कोशिश करो। मैं बनाया था ना, चलो ध्यान दो। C3 साइकिल ये देखो, ठीक है, सर्वप्रथम क्या होता है? RUBP जो रहता है, राइबुलोज बाईफास्फेट। RUBP राइबुलोज बाईफास्फेट, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट। राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। ये राइबुलोज बाईफास्फेट जो रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और ग्रहण करके किसका निर्माण करता है? 3PGA का। किसका निर्माण करता है? 3PGA का। ये PGA का निर्माण करता है, और यहाँ पास एक एंजाइम काम करता है जो सबसे ज़्यादा MP एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम। क्लियर है? भूलना नहीं। कौन सा एंजाइम काम करता है? रूबिस्को। पहला एंजाइम याद हो गया कि नहीं? ठीक है, और चूँकि ये 3 कार्बन वाला होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का जब संरचना बनाओगे तो इसमें कितने कार्बन रहेंगे? 3 कार्बन। क्लियर है कि नहीं? कितने कार्बन रहेंगे? 3 कार्बन। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो 3PGA है, ठीक है ना, ये 12 ATP को ग्रहण करता है। ATP कहाँ से आया था याद करो तो? प्रकाश अभिक्रिया हुआ था। प्रकाश अभिक्रिया में क्या बना था? ATP। उस ATP का यूज कर रहा है ये। 12 ATP का यूज करेगा और उसको तोड़ देगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। इनऑर्गेनिक फास्फेट में। क्लियर है? उस ATP का ऊर्जा को क्या किया? ग्रहण किया, और 3PGA किसमें कन्वर्ट हो गया? 13PGA में। किसमें? 13PGA में। 1,3-बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ देखो, राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट जो था, रूबिस्को एंजाइम की मदद से CO2 को ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्या बनाया? फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड ATP का यूज किया और क्या बना लिया? 1,3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या होगा? जो NADPH2 बना था, किसमें? चक्रीय की अचक्रिय में बना था, अचक्रिय में। किसमें बना था? अचक्रिय में। उस NADPH2 का यूज करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NADP में। मतलब किसको ग्रहण किया है? यहाँ पास से किसको तोड़ करके अंदर ला लिया? हाइड्रोजन को। किसको ग्रहण कर लिया? हाइड्रोजन को। समझ आ रहा है नहीं? यहाँ पास का हाइड्रोजन हट गया, ये समझ आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन को ये क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद क्या बना दिया? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। क्या बना लिया? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड का टोटल 12 अणु बनता है। कितना अणु बनता है? 12।
12 अणु में से 5 अणु किसका निर्माण करते हैं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का। किसका निर्माण करते हैं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं? यहाँ से लेकर के, ध्यान समझना, इस जगह से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कहानी है, क्लियर है कि नहीं? इसको हम लोग कौन से स्टेप कहते हैं? कार्बनीकरण या फिर अपचयन। कार्बनीकरण कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं? अपचयन। कार्बनीकरण क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पास आकर के कौन जुड़ा? CO2। और अपचयन क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पास जो हाइड्रोजन था वो जुड़ गया किसके साथ? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ। और किसका निर्माण कर दिया? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का। किसका निर्माण कर दिया? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का। अरे यहाँ का हाइड्रोजन निकला और निकल करके जुड़ गया किसके साथ? इसके साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो पहला स्टेप समझ आया कि नहीं? कार्बनीकरण या अपचयन, क्लियर है? इसके फलस्वरूप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का निर्माण हो गया। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, 5 कार्बन का होता है, इसमें 3 कार्बन जो रहता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 3 कार्बन के साथ, इसका 3 कार्बन और इसका 3 कार्बन दोनों मिलते हैं और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनाता है। 1,6 बाईफास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है और फिर उससे किसका निर्माण हो जाता है? हेक्सोज या ग्लूकोज का, और यही हमारा मुख्य उत्पाद है। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरा चरण भी हमारा कंप्लीट हो गया। किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण, चूंकि हम लोगों को तो ग्लूकोज लगातार चाहिए, एक बार ऐसे चलेगा खत्म हो जाएगा। अच्छा, RUBP रहेगा तभी तो शुरुआत होगा ना कहानी का, मतलब इसका मेरे फिर से क्या करना पड़ेगा? पुनर्निर्माण। क्या करना पड़ेगा? पुनर्निर्माण। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? RUBP का पुनर्निर्माण। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा स्टेप यहाँ तक खत्म हो गया ना, ये देखो। और पहला स्टेप कहाँ तक खत्म हुआ है? यहाँ तक, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तक ये पहला स्टेप हुआ, और यहाँ तक में कौन सा कंप्लीट हो गया? दूसरा। क्लियर है? अब तीसरा स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो रहता है एरिथ्रोलोज बनाता है। एरिथ्रोलोज से क्या बनता है? सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाईफास्फेट, सीडोहेप्टुलोज से सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। क्लियर है? 1,7 बाईफास्फेट से सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। फिर ये बना देता है क्या? जाइलुलोज 5 फास्फेट। क्या बनाता है? जाइलुलोज 5 फास्फेट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जाइलुलोज 5 फास्फेट इधर से फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और सीडोहेप्टुलोज दोनों के योग से बना है। समझ आ रहा है? देखो, इधर से भी आ रहा है ऐसे, और एक इधर से भी आ रहा है। क्लियर है? तो दोनों जुड़ा तभी ये बना होगा। क्लियर है? और जाइलुलोज से फिर क्या बनेगा? राइबुलोज 5 फास्फेट। क्या बनता है? राइबुलोज। और ये फिर से निर्माण कर दिया किसका? RUBP का। किसका निर्माण कर दिया? RUBP का। आपको एंजाइम अच्छे से याद रखना है, यहाँ पास रूबिस्को काम करता है, यहाँ पास डीहाइड्रोजिनेज काम करता है। ये देखो, ये दूसरा एंजाइम का नाम याद रखना है, डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पास एंजाइम याद रखना है फास्फेटेज, यहाँ पास ट्रांसकीटोलेज, तो यहाँ पास भी क्या होगा? ट्रांसकीटोलेज। मस्त याद रखना, ऊपर और नीचे ट्रांसकीटोलेज। क्लियर है? यहाँ ट्रांस एल्डोलेज है, यहाँ ट्रांस फास्फेटेज है, यहाँ पास राइबोज और राइबुलोज दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। आइसोमर मतलब समावयवी, नेम सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं ना, राइबुलोज राइबोज 5-5 कार्बन वाला रहता है। क्लियर है ना? तो आइसोमर एंजाइम, कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। और यहाँ पास एंजाइम लगता है इपीमरेज। अच्छा, ध्यान दो, जब राइबुलोज 5 फास्फेट RUBP में कन्वर्ट होता है तो कितने ATP का फिर यूज किया? 6 ATP का। तो टोटल देखो कितना ATP यूज हो रहा है? 12 और 6 18। कितना ATP यूज हो रहा है? 18 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज हो रहा है? 6। और NADP कितना यूज हो रहा है? 12। कितना? 12। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? क्लियर है ये? ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका क्या? केल्विन साइकिल भाई। ठीक है, यहाँ पास सबसे पहला स्टेप होता है क्या? ध्यान समझना, CO2 को ग्रहण करता है RUBP और PGA बनाता है। PGA से 13 PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और उससे क्या बन जाता है? हेक्सोज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट तक जो बनता है उसको बोलते हैं क्या? कार्बनीकरण या अपचयन अभिक्रिया, यहाँ तक का, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद हेक्सोज सरगरा का निर्माण। अब हमको फिर से RUBP बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले एरिथ्रोलोज बनेगा, एरिथ्रोलोज से क्या बनेगा? सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट से सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाईफास्फेट, फिर इधर क्या बन जाएगा? जाइलुलोज, फिर क्या बनेगा? राइबुलोज, फिर राइबुलोज से बन जाएगा RUBP। अच्छा, यहाँ पास याद रखना, यहाँ पास का फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का 2 अणु जो है वो किसका निर्माण करता है? राइबोज 5 फास्फेट।
राइबोस 5 फॉस्फेट किसके निर्माण में मदद करता है? राइबोलोज। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है, ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण का जो डार्क रिएक्शन रहता है, ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण का जो आपका डार्क रिएक्शन रहता है, डार्क रिएक्शन में, ठीक है, डार्क रिएक्शन में 6CO2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 6CO2 का। और क्या निकलता है? 6O2 निकलता होगा बाहर, साथ ही साथ हम लोग 12NADPH2 का यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में, तो क्या बनता है? 12NADP+। और उसके साथ ही साथ हम लोग 18ATP का जब यूज करते हैं तो क्या बन जाता है? 18ADP। क्लियर है कि नहीं? 18ADP। समझ आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर कट है ये, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, टोटल 6 चक्र चलता है, एक ही बार में 6 CO2 ग्रहण नहीं करता। वो हम लोग रिएक्शन समझाने के लिए तुम लोगों को भले एक बार में 6CO2 लिखा हूँ मैं, लेकिन असल में होता क्या होगा? 1CO2। जब एक सी ओ टू जाता होगा तो कितना NADP यूज होता होगा? चलो बताओ, जब देखो, जब 6CO2 जाता है तो 12 का यूज होता है, तो जब एक CO2 जाता होगा तो कितना NADPH2 यूज होता होगा? 2 NADPH2 यूज होता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं रही? जब 6 जाता है तो 12 यूज होता है, तो एक CO2 जाता होगा अंदर तो कितना यूज होता होगा? 2 ना। अरे 6 CO2 के लिए कितना जाता है? 12 ना, तो एक CO2 के लिए क्या करोगे? 12/6 कितना आएगा? 2 ना, तो कितना यूज होता होगा? 2 NADPH2। अच्छा, वैसे ही 6 दिया 18, मतलब एक बार में कितना ATP यूज होता होगा? 3 ATP। कितना ATP? 3 ATP। तो दिमाग में छापना कि एक CO2 के लिए 2 NADPH2 और 3 ATP, ठीक है ना? कितना? 3 ATP। और ऐसा कितना बार साइकिल चलता है ये? 6 बार। कितना बार? 6 बार। 6 बार चलते हैं तभी क्या बनता है? 6CO2 यूज होता होगा, 12 NADPH2 यूज होता है, NADPH2 और क्या? आपका 18 ATP यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? टोटल कितना चक्र चलता होगा? 6। क्लियर है? यानी कि वो जो साइकिल तुम लोग देख रहे थे, ठीक है ना, वो एक बार, वैसे कितना बार होता होगा? 6 बार। तब जाकर के किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। क्लियर है? मैं डायरेक्ट एक ही बार में समझा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका ये जो प्रकाश संश्लेषण का डार्क रिएक्शन है वो क्या होता है? कंप्लीट। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोग प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया में अंतर भी कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया में, मतलब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है? प्रकाश संश्लेषण के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर बताओ, लाइट रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? अच्छा, ये भी याद रखना है कि जब लाइट रिएक्शन होता है, ध्यान समझना, लाइट रिएक्शन होता है तो यहाँ ATP व NADPH2 का निर्माण होता है, ATP व NADPH2 का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है जी? चलो बताओ, ATP व NADPH2 का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ जो बनता है उसका उपयोग कौन करता है? डार्क रिएक्शन उपयोग होता है। क्लियर है? अच्छा, ये कहाँ पास होता है? ग्रेनल व स्ट्रोमा थैलाकोइड में होता है, ग्रेनल व स्ट्रोमल थैलाकोइड में होता है, ग्रेनल थैलाकोइड और स्ट्रोमल थैलाकोइड, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ग्रेनल थैलाकोइड और क्या बोला था? स्ट्रोमल लैमेली बोला था क्या? स्ट्रोमल लैमेली में पूरा होता है। और ये कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? केवल और केवल स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। क्लियर है? किसमें कंप्लीट होता है? स्ट्रोमा में। आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, इस प्रक्रिया में O2 का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है क्या? नहीं, इसमें O2 का निर्माण होता नहीं है। अच्छा, इसमें क्या ग्लूकोज का निर्माण होता है क्या? ग्लूकोज का निर्माण होता है क्या? नहीं, ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन हाँ, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों के बारे में पढ़ सकते हो। अच्छा,
लाइट रिएक्शन को हील अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, C3 साइकिल, क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका डार्क रिएक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं आप कल।